स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एस्टीमेट में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं प्लास्टरिंग के बारे में कि हमारा 6 mm का प्लास्टर वर्क किस तरह से होता है, यानी 6 mm का प्लास्टर हम जब करते हैं किस किस जगह पर हम 6 mm का प्लास्टर करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे 6 mm का प्लास्टर कहाँ होता है, 12 mm का प्लास्टर कहाँ होता है, 15 mm का प्लास्टर कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारा आज का लेक्चर है 6 mm का प्लास्टर का हम एस्टिमेट किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में जानना है। तो इसके पहले हम ये जान लेते हैं 6 mm का प्लास्टर कहाँ होता है, और यानी प्लास्टर हमारा कितने प्रकार का होता है। तो हमारा यहाँ टाइप ऑफ प्लास्टर होता है, कितने टाइप का हमारा प्लास्टर होता है, 6 mm का हमारा हो गया, 12 mm का हो गया, और 15 mm का, यानी 6 mm का हमारा प्लास्टर हो गया, 12 mm का हो गया, और 15 mm का। और 6 mm की हम प्लास्टर की बात करते हैं, 6 mm का प्लास्टर हम सीलिंग में यूज करते हैं, 6 mm का प्लास्टर को हम सीलिंग में यूज करते हैं, और 12 mm का प्लास्टर को हम इनर वाल अंदर की वाल, यानी जिस तरह से आपका चिनाईकार अगर इस तरह से हमारा चिनाईकार कर रहे हैं, तो इस तरह से हम प्लास्टर अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 12 mm का प्लास्टर लगेगा। मान लीजिए इस तरह से हम दीवार को ब्रिक वर्क कर रहे हैं पूरा, तो इस तरह से हमारा जो एक ईंटे के बीच और दूसरे ईंटे के बीच हमारा जो गैप रहता है, इसे हम मसाला से फिल कर देते हैं, तो उस साइज से हम 12 mm का प्लास्टर करते हैं। जहां से हमारा स्मूथ सरफेस मिलता है वहां पे हम 12 mm का प्लास्टर करते हैं, और जहां पे हम उसके अपोजिट साइड जिस तरह से हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, यानी कोई भी मेसन ब्रिक वर्क कर रहा है उसके अपोजिट साइड हम 15 mm का करते हैं, क्योंकि उधर रफ सरफेस मिलता है इसलिए उस साइड पे हमारा 15 mm का प्लास्टर को किया जाता है। अब यहाँ इस ड्राइंग में हम देखेंगे कि हमारा 6 mm का प्लास्टर कहाँ करेंगे, और 12 mm का प्लास्टर कहाँ करेंगे, और 15 mm का प्लास्टर हम कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 mm की बात किए हैं, तो ये हमारा सीलिंग में हो गया। अब 12 mm की प्लास्टर की बात कर रहे हैं, अगर इस साइड से हमारा मेसन है, मेसन जो ब्रिक वर्क कर रहा है, तो इधर से हमारा 12 mm का यूज होगा, और इसके अपोजिट साइड में हमारा 15 mm का प्लास्टर यूज होगा। तो ये हमारा 12 mm का और हो गया, और ये हमारा 15 mm का हो गया। अब इसका एस्टिमेट हम सीलिंग वाला पहले देखेंगे, इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे 12 mm और 15 mm का प्लास्टर किस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं एक्सेल शीट पे कि किस प्रकार से हम 6 mm का प्लास्टर को करेंगे। तो इसके पहले 6 mm का प्लास्टर करने से पहले अगर हम कर रहे हैं तो सीलिंग हमारा इसके ऊपर ही होगा, यानी जो हमारा सीलिंग है उसका हम जो फ्लोर का हमारा फ्लोरिंग हुआ था PCC का उसका हम लंबाई और चौड़ाई ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा सीलिंग का हम प्लास्टर कर रहे हैं। मान लीजिए इस बेडरूम का ही हम सीलिंग का प्लास्टर कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा जितना हमारा लेंथ होगा, और इस साइड से हमारा जितना हमारा विड्थ होगा, लंबाई चौड़ाई हमारा दोनों का मिल जाएगा, उसी पे हमारा 6 mm का प्लास्टर होगा। यहाँ से लेंथ विड्थ हो गया, और नंबर ऑफ आइटम हमारा हो गया, जिस चीज़ का कर रहे हैं बेडरूम का कर रहे हैं तो 2 bedroom है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा इस प्रकार से। और 6 mm का हमारा प्लास्टर है, तो यहाँ पर हम जो प्लास्टर का हमारा यूनिट होता है स्क्वायर मीटर में, इसलिए हम यहाँ पे 2 ही यूनिट लेके चलेंगे और हमारा प्लास्टर का एस्टिमेट हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं एक्सेल शीट पे। तो आइए अब देखते हैं कि 6 mm का प्लास्टर हम किस प्रकार से एक्सेल शीट में करते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे देखिए 6 mm प्लास्टरिंग वर्क सीलिंग का हम जो सीलिंग पे कर रहे हैं 6 mm का प्लास्टर, उसके लिए यहाँ एस्टिमेट किया गया है। तो आपको डिटेल यहाँ पे समझा दे रहे हैं, बेडरूम हमारा 2 नंबर है, हॉल ए हमारा 2 नंबर है, हॉल बी हमारा 2 नंबर है, किचन हमारा 2 नंबर है, वैसे हमारा WC हमारा 2 नंबर है, और बाथ 2 नंबर है, बालकनी या ओपनिंग हमारा 1 नंबर है। तो इसका डिटेल देखने के लिए हम किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारी जो ड्राइंग दिया गया है, ये हमारा बेडरूम है, A1 बेडरूम है, आपको यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। इस ड्राइंग को हम मेंशन कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई मिसिंग होगा ड्राइंग में तो उसको भी जहाँ पे हम एस्टिमेट का ड्राइंग पूरा मेंशन किए हैं वहाँ पे मेंशन कर देंगे।
यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा दिया गया है, ए हाल वन है, ए हाल हमारा बी है। तो यहाँ से अगर इस साइड का मिरर कर देंगे तो ए हमारा पूरा साइज मिल जाएगा। तो ए बेडरूम है, दो हमारा बेडरूम हो गया, किचन हमारा दो हो गया, बाथ हमारा एक इस साइड में, एसी इस साइड में, WC हमारा एक साइड में, इस साइड में, और ओपनिंग हमारा एक नंबर है। तो इसका हम डिटेल हम जो फ्लोर का हम शटरिंग हम जहाँ पर किए थे वहाँ से भी ले सकते हैं, और इसका मेन डिटेल हम लेंगे वहाँ फ्लोर PCC जो किए हैं फ्लोरिंग का, वहाँ से हम डिटेल ले लेंगे। तो इसका हमारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, लेआउट प्लान, ग्राउंड बीम, इसका डिटेल हमारा दिया गया है एरिया वाइज। तो यहाँ से हम ले लेंगे, आपको एक जगह पे हम डिटेल दे दिए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए A1 यानी यहाँ पे हमारा बेडरूम है, तो बेडरूम का साइज़ हमारा है तो वही हमारा सीलिंग का साइज होगा। और जो हमारा बीम है, स्लैब बीम को तो हम साल्व कर चुके थे, तो हमारा इसका निकालेंगे, तो प्लास्टरिंग निकाल रहे हैं। तो इसका देखिए हम साइज़ है 13:50 x 29:50। तो यहाँ से हम डिटेल ले लेंगे, इस ड्राइंग को हम मेंशन कर चुके हैं जहाँ पे एस्टिमेट का हम ड्राइंग पूरा डिटेल में दिए थे। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल शीट में, यहाँ पे बेडरूम का हमारा दो नंबर है, दो बेडरूम है तो दो नंबर हो गया। इसका साइज़ हमारा सेम है तो लेंथ विड्थ हमारा सेम हो गया। अब हमारा 6 mm प्लास्टर स्क्वायर मीटर में यूनिट होता है, तो इसके लिए हम दो यूनिट लेंगे, लेंथ विड्थ हो गया। तो इसका हम सॉल्व करेंगे, तो इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसको हम टोटल सॉल्व किए तो हमारा देखिए आ गया 17.8711 स्क्वायर मीटर हमारा बेडरूम में हमारा 6 mm का प्लास्टरिंग आएगा जो कि सीलिंग में। अब इसी तरह से हाल वन का हम एरिया ले लेंगे, हाल वन हाल बी, तो इसका हम डिटेल देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा डिटेल है, ए हाल वन है ये दोनों, और ये हाल बी है। तो हाल वन दो नंबर है तो यहाँ से आप इसका ले लेंगे लंबाई चौड़ाई। इसी तरह से हम ले लेंगे इसका हाल टू का लंबाई चौड़ाई, यहाँ से लेंथ विड्थ यहाँ से ले लेंगे। इसी तरह से इसका हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हाल वन हाल बी का हमारा टू नंबर लेंथ विड्थ हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे इस तरह से। अब किचन का हम देख रहे हैं, आपको डिटेल देख रहे हैं, यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे, हमारा पूरा एक बार में सॉल्व हो जाएगा। किचन का हमारा देखिए साइज है, ये हमारा किचन है 6 नंबर वाला, तो ये किचन है हमारा, तो इसका भी साइज हमारा डिटेल दिया गया है, दो दो जगह पे किचन है। यहाँ पे बात देखिए हमारा दो जगह आपको डिटेल दिखा दिए हैं, और ओपनिंग की एक जगह पे है। तो यहाँ हमारा पूरा डिटेल ले लेंगे, इसको हम यहाँ से अगर ड्रैग कर दे रहे हैं तो हमारा देखिए सॉल्व हो गया। अब इसका हम टोटल सॉल्व करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ 6 mm प्लास्टिंग वर्क सीलिंग का तो आर्ट प्लस करेंगे तो हमारा सम हो गया। तो यहाँ पे हमारा 64.43 स्क्वायर मीटर हमारा 6 mm का प्लास्टर होगा तो सीलिंग में। तो आज का हमारा 6 mm प्लास्टर पे वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि 12 mm का प्लास्टर किस प्रकार से करेंगे और 15 mm का किस प्रकार से करेंगे और किस साइड में हम करेंगे। तो आज का वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।